यार राकेश, देखना यार, कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ। लगता है मेरी आंखें वीक हो गई हैं। बार बार आंखों में दर्द रहता है, सर में भी दर्द रहता है, और आंखों से लगातार पानी बहता रहता है। और हाँ यार, ये दूर से ना टीवी पे मैच का स्कोर भी नहीं दिखता। क्या करूँ यार, बहुत परेशान हो गया हूँ। और कोई बात नहीं यार मुकेश, इतनी टेंशन मत ले, बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी तुझे हॉस्पिटल लेके चलते हैं, ठीक है? चल, तेरे साथ साथ मैं भी अपने आप को हॉस्पिटल दिखा दूंगा। देख, मुझे भी यहाँ स्किन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देख, बहुत दिनों से इरिटेशन हो रही है, ठीक है? तो चल, तुझे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तुझे मैं आंखों के डॉक्टर को दिखा दूंगा और खुद को मैं दिखा दूंगा स्किन के डॉक्टर को। ओके, लेट्स गो। राकेश और मुकेश कहाँ गए? हॉस्पिटल। और वो किस तरह के डॉक्टर को दिखाएंगे? आंखों के डॉक्टर को और स्किन के डॉक्टर को। तो क्या फ्रेंड्स, आपको पता था इस तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? नहीं ना? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीक टू ग्रो विद तरुण परनामी। द फर्स्ट रूट वर्ड इज MB, AMBIMB। याद रखिएगा, हम जब भी दो चीजों के बारे में बात करते हैं तब हम यूज करते हैं MB। देन फिलन, फिलन PHILAN, फिलन का मतलब होता है प्यार करना। देन मिशन, MISEIN, मिशन, मिशन का मतलब टू हेस्ट, ये फिलेन का अपोजिट है। देन एंथ्रोप, एंथ्रोप ANTHROP, एंथ्रोप, एंथ्रोप मींस मैनकाइंड, मानव। नेक्स्ट वन इज गायना, GYNE, गायना, गायना मींस वुमेन। जहां पर भी ये वर्ड आ जाए वो औरतों से रिलेटेड वर्ड ही होता है। नेक्स्ट इज लॉजी, LOGY, लॉजी, लॉजी मींस टू स्टडी। नेक्स्ट वन इज ग्राफी, ग्राफी मीन्स टू राइट। नेक्स्ट वर्ड इज डर्मा, डर्मा मीन्स स्किन। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड के बारे में। और फर्स्ट वर्ड है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ये बोलता है कि मैं आपसे ज्यादा बातचीत करने को उत्सुक नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने आप से मतलब रखता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति वो होते हैं जो कि बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, लोगों से मिक्स होने को एकदम तैयार रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीवर्ट। एम्बी, मैंने आपको बताया था एम्बी का मीन्स बोथ, एम्बी मीन्स बोथ। तो इस वर्ड में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें दोनों क्वालिटीज एक साथ मिल रही हैं, एक्सट्रोवर्ट की भी मिल रही है और इंट्रोवर्ट की भी मिल रही है। तो इस तरह के व्यक्ति को हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं श्री अमिताभ बच्चन जरूरत पड़ने पे बोलते हैं और जरूरत पड़ने पे लोगों से मिक्सअप भी होते हैं, जैसे KBC, और अगर जरूरत नहीं पड़ती तो वो अपना आप में रहते हैं, राइट? इस तरह के व्यक्ति को बोलते हैं एम्बीवर्ट। नेक्स्ट इज एम्बीडेक्स्ट्रस। जैसा कि मैंने आपको बताया था AMBI कहीं आ जाए तो इसका मतलब हमेशा दो चीजों के लिए होता है। एम्बी मीन्स दो, यानी कि बोथ। फाइन, एम्बीडेक्स्ट्रस वो व्यक्ति होता है जिसमें दोनों, अपने दोनों हाथों को एक साथ यूज करने की क्वालिटी हो, दोनों हाथों को वो एक साथ एक जैसा यूज कर पाए। नेक्स्ट इज एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी। सो एम्बी का मतलब दो, सो एम्बिग्विटी मीन्स कंफ्यूजन। दो विचारों में अगर हमारा कोई कंफ्यूजन है तो इसे हम बोलते हैं एम्बिग्विटी, और इस तरह की चीज को हम बोलते हैं एम्बिग्विश, कि मैं बहुत एम्बिग्विश थॉट से गुजर रहा हूँ, आई हैव एम्बिग्विटी। नेक्स्ट इज एम्बीवेलेंस, एम्बीवेलेंस, एक साथ दो फीलिंग्स को रखना। एम्बी का मतलब तो वैसे भी हम जान चुके हैं, जब दो चीजें एक साथ आती हैं तब हम बोलते हैं एम्बी। सो फ्रेंड्स, एम्बीवेलेंस मींस एक ऐसी अवस्था जिसमें मेरे पास में दो फीलिंग्स एक साथ हों। कौन कौन सी? प्यार और नफरत की जो फीलिंग्स मेरे साथ में दोनों होती हैं, तब उस फीलिंग को मैं बोलता हूँ एम्बीवेलेंस। नेक्स्ट इज फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेन का मतलब मैंने आपको बताया था टू लव, और थ्रॉप का मतलब मैंने बताया था आपको मैनकाइंड। सो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो कि समाज से बहुत प्यार करता है, मानवता से बहुत प्यार करता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मिसेंथ्रोपिस्ट। मिशन का मतलब मैंने आपको बताया था फिलेन का अपोजिट है, सो मिशन मीन्स टू हेट। सो मिसेंथ्रोपिस्ट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता से बहुत नफरत करता है, जो मानवता से बहुत ज्यादा नफरत करता है, मानवता को खत्म करने में लगा हुआ है। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था गायनो वर्ड जहां पे भी आ जाए उस वर्ड का मतलब हमेशा वुमेन से निकल के आता है, औरत से निकल के आता है।
तो गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा डॉक्टर जो कि औरतों से रिलेटेड बीमारियों को, जब भी किसी औरत को कोई बीमारी होती है तो वो सबसे पहले किस डॉक्टर के पास में जाती है, अ वुमन गोज टू अ गायनेकोलॉजिस्ट फॉर हर प्रॉब्लम्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन, इसका मैं रूट वर्ड आपको देना भूल गया था, इसका रूट वर्ड है पीडस। पीडस मीन्स बच्चे। तो एक ऐसा डॉक्टर जो कि छोटे बच्चों को ट्रीट करे, छोटे बच्चों के बीमारियों से रिलेटेड जो डॉक्टर होता है उसको हम बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। याद रखिएगा, छोटे बच्चों के डॉक्टर को बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वर्ड रूट वर्ड मैंने आपको बताया हुआ है डर्मा। डर्मा का मतलब स्किन। जब भी हमें स्किन से कोई प्रॉब्लम होती है तब हम किस डॉक्टर के पास जाते हैं, वी गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्थमोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, मैंने अपने इस वीडियो की शुरुआत ही की थी कि मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, तो आंखों की प्रॉब्लम से रिलेटेड डॉक्टर को बोलते हैं हम ऑप्थमोलॉजिस्ट। याद रखें, जब भी हम कभी आईज डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, आईज स्पेशलिस्ट को दिखाने जाते हैं, तो वी कॉल हिम ऑप्थमोलॉजिस्ट। ओके, और उसी से रिलेटेड एक वर्ड और है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिशियंस। ऑप्टिशियंस वो व्यक्ति होते हैं जो हमें चश्मे बना के देते हैं, ग्लासेस बना के देते हैं, स्पेक्टिकल्स बना के देते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड इज कैलीग्राफी। कैलीग्राफी, ग्राफी का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था फ्रेंड्स, कि ग्राफी का मतलब होता है लिखने से। जहां पर भी ग्राफ वर्ड आ जाए, याद है जब आप बच्चे थे या अभी भी अगर आप स्कूल कॉलेजेस में होंगे और मैथ्स के लिए या फिर किसी और चीज के लिए, सोशल स्टडी के लिए, अगर आपको कोई ग्राफ बनाना होता था तब आप क्या मांगते थे, ग्राफ, मैम ग्राफ दे दीजिए प्लीज। सो ग्राफ मतलब लिखना, ग्राफी मींस लिखना। तो जब भी लिखने से रिलेटेड कोई वर्ड होगा तो उसमें ग्राफी वर्ड जरूर आएगा। ओके, तो कैलीग्राफी मींस एक ऐसी हैंडराइटिंग जिसको बहुत खूबसूरत बोल सके। तो ऐसा आर्ट जो हैंडराइटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए सिखाया जाता है तो उसे बोलते हैं हम कैलीग्राफी। और उसका अपोजिट, उसका जस्ट अपोजिट कहलाएगा कैकोग्राफी। एग्जाम्पल इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। इस तरह के हैंडराइटिंग को आप कैकोग्राफी बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, दैट्स इट, लेट्स कीप इट टिल हियर इन दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।